हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। जहां पर मैंने अपनी बात खत्म की थी वहीं से मैं अपनी बात पुनः प्रारंभ कर रहा हूं। हम लोग बात कर रहे थे प्रदीप और विनीत की। दोनों बच्चे हैं, दोनों ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, क्लास 8 का एग्जाम दिया है। प्रदीप भाई डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे विनीत भाई इंजीनियर बनना चाहते हैं। कुछ बेसिक बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कहते हैं विनीत से, विनीत यार तुम बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रदीप, विनीत कैन यू टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर? आराम से बोलूंगा, जब भी बच्चों किसी से कोई बात पूछनी हो कैन यू टेल मी, है कैन यू टेल मी, यानी क्या तुम मुझे बता सकते हो। ये शालीनता होती है, एटिकेट्स हैं, ये मैनर्स हैं। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर? अब मैं फ्लो में बोलूंगा, प्रदीप भाई बोल रहा है, विनीत कैन यू टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर? ये एक नॉर्मल फ्लो होता है बेटा, इस पे बात की जाती है, समझ में? विनीत कहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। प्रदीप कहते हैं व्हाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर बनना क्यों चाहते हो? व्हाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर? विनीत कहते हैं क्योंकि इंजीनियर्स देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसकी इंग्लिश होगी, विनीत कहते हैं डियर प्रदीप बिकॉज द इंजीनियर्स मेक अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समझना बेटा, थोड़ा हैवी वर्ड आ गया है, घबराना नहीं। विनीत कह रहे हैं बिकॉज, आप जानते हैं BECAUSE, बिकॉज मैंने क्योंकि, द इंजीनियर्स मेक, मेक माने देना, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन माने होता है योगदान, लिख लो CONTRIBUTION, कॉन्ट्रीब्यूशन माने योगदान। सब्सटेंशियल लिखो, बहुत हैवी वर्ड है, मजा आएगा, SUBSTANTIAL, सब्सटेंशियल, उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? सब्सटेंशियल माने होता है बच्चों कोई भी चीज जो आकार या मात्रा में ज्यादा हो। तो विनीत भाई कह रहे हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर बिकॉज द इंजीनियर्स मेक सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। प्रदीप भाई कह रहे हैं भाई मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इसकी इंग्लिश होगी विनीत आई डोंट एग्री विथ यू, लिख लो, जब भी कहना हो आपको कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं आप ऐसे कहना बच्चों आई डोंट एग्री विथ यू। विनीत कहते हैं व्हाई, यानी क्यों? प्रदीप कहते हैं मेरा मानना है कि सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर्स देते हैं। प्रदीप बोलते हैं आई बिलीव दैट, लिख लो बच्चों, जब भी कहना हो मेरा मानना है, इसके कई तरीके होते हैं कहने के, मैं दो तीन बता रहा हूं आपको। आई बिलीव, BELIEVE, आई बिलीव दैट, इसका मतलब मेरा मानना है, या आप और छोटा करना चाहें, हल्के में लेना चाहें, आई थिंक दैट, THINK, या आई फील दैट, FEEL, आई फील दैट, या माई परस्पेक्टिव इज, ये अच्छा शब्द है, परस्पेक्टिव पहले वीडियो में भी आ चुका है, PERSPECTIVE, परस्पेक्टिव, इसका मतलब होता है दृष्टिकोण या नजरिया। तो मैं पहला वाला ले रहा हूं, प्रदीप भाई कह रहे हैं मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा योगदान तो भैया डॉक्टर देते हैं। प्रदीप ऐसे कहेंगे विनीत आई बिलीव दैट द मोस्ट सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय द डॉक्टर्स। आराम से बोल देता हूं, लिख लो, प्रदीप भाई कह रहे हैं आई बिलीव दैट द मोस्ट सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय द डॉक्टर्स। ये पैसिव वॉइस क्या है आगे पढ़ाऊंगा। अब ये प्रदीप ने कहा, अब विनीत कह रहे हैं
प्रदीप भाई मैं आपसे सहमत नहीं हूं। डियर प्रदीप आई डोंट एग्री विथ यू। एक छोटी टिप देना चाहूंगा बच्चों, देखिए असहमति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, डिसएग्रीमेंट। किसी को गुलाब अच्छा लगता है, किसी को गेंदा अच्छा लगता है, किसी को कद्दू अच्छा लगता है, किसी को लौकी अच्छी लगती है, किसी को अजय देवगन अच्छे लगते हैं, किसी को आमिर खान अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर समझाना चाहूंगा भाइयों और बहनों को, बच्चों को, असहमति का मतलब यह नहीं है कि क्रोधित हो जाएं, असहमति का मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे का अपमान करने पर तुल जाएं, कभी ना करना है। आराम से बात करना, आराम से ही समस्याएं सुलझेंगी, फिर आगे बढ़ो। विनीत भाई कह रहे हैं प्रदीप मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विथ यू, क्योंकि अगर इंजीनियर्स मशीनें नहीं बनाएंगे तो फिर डॉक्टर्स जांच कैसे करेंगे। ये लॉजिक है, तो उसने भाई ने लॉजिक दिया, विनीत भाई बोला। अब इसकी इंग्लिश देखो, समझा बेटा। विनीत सेज इफ द इंजीनियर्स डोंट मैन्युफैक्चर गुड मशीन्स हाउ विल द डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेट, हाउ विल द डॉक्टर्स डायग्नोज। आराम से बोल देता हूं, विनीत कह रहे हैं इफ द इंजीनियर्स डोंट मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग MANUFACTURE, इंजीनियर्स डोंट मैन्युफैक्चर द मशीन्स MACHINES, हाउ विल द डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेट INVESTIGATE, इन्वेस्टिगेट माने जांच करना। प्रदीप कहते हैं विनीत तुम्हारे लॉजिक में दम है, तुम्हारा लॉजिक दमदार है। इसकी इंग्लिश होगी, प्रदीप भाई कहते हैं डियर विनीत योर लॉजिक हैज सब्सटेंस, लॉजिक LOGIC, लॉजिक सब्सटेंस SUBSTANCE, सब्सटेंस माने होता है पदार्थ या दम जिसमें कुछ वैल्यू हो, और लॉजिक का मतलब होता है बेटा तर्क या आर्ग्यूमेंट, जो हम एक लॉजिक देते हैं। तो किसकी बात हो रही थी, प्रदीप कहते हैं विनीत योर लॉजिक हैज सब्सटेंस, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसकी इंग्लिश होगी बट यू टेल मी वन थिंग, बट यू टेल मी वन थिंग, अगर स्वास्थ्य अच्छा ना रहे हमारा तो क्या हम कुछ कर पाएंगे। ध्यान देना इस हिंदी पर, अगर स्वास्थ्य अच्छा ना रहे हमारा तो क्या हम कुछ कर पाएंगे। अब इसकी इंग्लिश समझो, इफ वी आर नॉट हेल्दी, इफ वी आर नॉट हेल्दी HEALTHY, यानी कि अगर हम स्वस्थ नहीं है, इफ वी आर नॉट हेल्दी क्या हम कुछ कर पाएंगे। शैल वी बी Able to do anything? Shall we be able to able? Shall we be able to do anything? तो पूरा वाक कैसे जाएगा? प्रदीप भाई कह रहा है, विनीत tell me one thing. If we are not healthy, shall we be able to do something or anything? विनीत कहते हैं, yes, I agree with you. हाँ मैं आपसे सहमत हूं, स्वास्थ्य सर्वोपरि है। बहुत अच्छा शब्द है, लिख लो बेटा, पैरामाउंट, पैरामाउंट PARAMOUNT। आप समझ गए मैं क्यों हंसा हूं, पैरामाउंट मैंने होता सबसे ऊपर। तो विनीत भाई कहते हैं यस आई एग्री विथ यू, आवर हेल्थ इज पैरामाउंट, यानी हमारा स्वास्थ्य सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, बट हमें हेल्दी रहने के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। ये विनीत भाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें हेल्दी रहने के लिए, इसकी इंग्लिश होगी फॉर अस टू रिमेन हेल्दी, समझना, फॉर अस टू रिमेन हेल्दी वी डोंट रिक्वायर डॉक्टर्स, हमें रिक्वायर REQUIRE, हमें डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है, वी डोंट रिक्वायर डॉक्टर्स, हमें आवश्यकता है
एक अनुशासित जीवन की। वी रिक्वायर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। ये किसका लॉजिक है? विनीत का है। विनीत भाई क्या कर रहे हैं? वी रिक्वायर अ डिसिप्लिन्ड डी आई, बेटा डिसिप्लिन डिसिप्लिन लिख लो, डी आई एस सी आई पी एल आई एन ई डी। डिसिप्लिन्ड माने होता है अनुशासित, ये एडजेक्टिव है, और डिसिप्लिन माने अनुशासन। तो विनीत भाई बोल रहे हैं वी डोंट रिक्वायर डॉक्टर्स, हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। वी रिक्वायर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। देखो मेरे ख्याल में इतना आज के लिए शिक्षा बहुत है। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं, आराम से इंजॉय करो। कहीं गाड़ी पे जा रहे हो, चलो गाड़ी नहीं, घर में जब बैठ के आराम से देखना, गाड़ी वाली पे कुछ नहीं सुनना है। गाड़ी जब भी चलाओ ध्यान से, खाली सड़क पे और सावधानी से। इंग्लिश सीखो आराम से रूम पे बैठ करके। खाना वाना बना रहे हैं, अपना लगा दिया, चल रही खान साहब की, अपना सुन रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, इंजॉय करते हुए पढ़ो, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, देखो मेहनत कर रहा हूं, मेहनत से पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा हूं आप लोगों को। आप इन चीजों का प्रयोग कीजिए, अपनी इंग्लिश को बिल्डअप कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप कीजिए, ठीक है। और फिर से एक बार बेटा रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए बेटा। बांटने से ज्ञान बढ़ेगा, कुछ अच्छे काम हम लोग करते रहना चाहिए। आप भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं, आप भी कुछ करें, नाम हो आपका, मेरा भी थोड़ा नाम हो जाए, ठीक है। और बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, लंबा साथ है हमारा, चलता रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब पुश कर दीजिए, जब बेल आए उसको दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।